वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा। बाहर बहुत नकली दवाएं मिलती हैं। निर्विघ्नम ले चल बेटा। देखिए, दिख रहे हैं आपको? अच्छा नहीं हुआ। और ये सफेद लूटने, 2-3 घंटे बिना खाए बिना पिए। हेलो, सफेद लूट हॉस्पिटल से बोल रहे हैं? हेलो हेलो हेलो, हाँ हेलो, एक्सएल हॉस्पिटल से बोल रहे हैं, सफेद लूट हॉस्पिटल। नमस्कार, एक्सएल हॉस्पिटल में कॉल करने के लिए धन्यवाद। हमारे यहाँ मोतियाबिंद से पथरी और डिलीवरी से नसबंदी तक का इलाज किया जाता है। पता है, पता है। तो मरीज दिखाना था, डॉक्टर से बात हो सकती है? इसके लिए तो आपको हॉस्पिटल आना पड़ेगा। ओके ओके, ठीक। मैडम फोन में बात हुई थी, मरीज दिखाना था मुझे हमारे यहाँ। मैडम बस करिए, ये रिकॉर्डिंग आप फोन में सुना चुकी हैं, मरीज दिखाना है। सर, मैं आपको फोन पे नहीं बता पाई थी, इलाज के दौरान 90 दिन का जियो सिम दिया जाएगा फ्री, और अगर इलाज के दौरान मरीज चल बसा तो उसके आश्रितों को आजीवन जियो सिम इनकमिंग फ्री दिया जाएगा। अरे बेटा, यहाँ से हमको ले चल बेटा, नहीं तो यहाँ इनकमिंग फ्री दे के ही रहेगा। अरे रुकिए, बात कर रहा हूँ ना मैं इनसे। सिम ये क्यों? ताकि सारी जिंदगी दिवंगत रिश्तेदार के साथ घर वाले जुड़े रह सके। डॉक्टर से मिलवा दीजिए। आप पहले 11,000 रुपया जमा करवा कर पर्ची बनवा लें। 11,000? अरे ये तो भर्ती करने के सोच रहा है लोग। भर्ती होता तो आपका प्रॉपर्टी का कागज रख लेता। 11,000? 11,000 क्यों? माता जी, पूरा दांत हमारा ठीक हुआ नहीं है, कुछ नहीं हुआ, ये सफेद लूट ने पूरा पैसा ले लिया माता जी। वार्ड बॉय, इनको बता दो कि 11,000 किस चीज का लगेगा। नमस्कार जी, लाइए। डॉक्टर फीस 2,500, बीपी चार्जेस 300, ब्लड शुगर 200, ECG चार्जेस 500 है, कोरोना टेस्ट 5,000, कोरोना रे बाबा बहुत जरूरी, आई टेस्ट 500, अस्पताल चार्जेस 800 है, TBC 800, CPC चार्जेस 400, कहा ज्यादा लगा है, सही तो है। इनका तो सिर्फ घुटने में दर्द है, इतने सारे टेस्ट क्यों? जांच होंगे तभी तो पता चलेगा ना, जल्दी पैसा जमा करवाइए, आपका नंबर आ रहा है। ठीक है ठीक है, ये लीजिए। वार्ड बॉय, इनको रूम नंबर 302 में ले जाइए, डॉक्टर साहब के चेम्बर में। कहाँ है डॉक्टर साहब? देखिए, दिख रहे हैं आपको? वहां से डॉक्टर साहब कैसे मरीज देखेंगे? अरे भाई, डिस्टेंस मेंटेन करना है ना। बिना मरीज देखे ही इतने सारे टेस्ट करवा लिए? वो तो आपका फाइल को मोटा करने के लिए, लौटते समय कुछ हैवी बिल्स, कुछ रिपोर्ट्स ना हो तो क्या हुआ? जाइए जाइए, डॉक्टर साहब बुला रहे, जाइए। हाँ, इधर इधर, क्या हुआ आपको? आप तो ठीक चल फिर रहे हैं। नहीं डॉक्टर, मुझे कुछ नहीं हुआ है, इनको थोड़ा सा घुटने में दर्द है। नमस्कार। डॉक्टर को समझा रहे हैं? कुछ खास नहीं, फीवर है? नहीं डॉक्टर साहब। खांसी? नहीं, खांसी नहीं। स्मेल आ रहा है? हाँ, स्मेल मिल रहा है, कोरोना का कोई भी सिम्टम है नहीं। अच्छा, डॉक्टर हैं आप? नहीं डॉक्टर साहब, इतने महीने से ये सब सुनते सुनते थोड़ा आइडिया तो लग ही गया है। हाँ ठीक है, उनको लेटा दीजिए उस बेंच पर। समझा, इनको एक्चुअली क्या है कि घुटने में दर्द है, प्रॉब्लम इनका घुटने का है। इनको 21 दिन तक बेड रेस्ट में रखिए, और मैं कुछ दवा लिख दिया हूँ,
इनको दवा देते रहिए। इतने सारे जो टेस्ट कर लिए हैं, देखेंगे कब? रिपोर्ट्स हमें देखने की जरूरत नहीं है, रिपोर्ट्स एक फाइल बना के घर पे रखे रहिए। और अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस करवाए हैं तो उसमें रिइंबर्स करवा लीजिए। ये सीपीसी चार्ज क्या होता है? ये कोविड प्रोटेक्शन चार्जेस सीपीसी है। वो कोरोना वैक्सीन लगा दिया आपने? अरे नहीं रे बाबा, वो जब आप हॉस्पिटल में घुसे तो टेम्परेचर देखा गया, फिर सैनिटाइज किया गया, फिर डिस्टेंस मेंटेन किया गया, आपको मास्क दिया गया, इन सबों का चार्जेस होता है ना सीपीसी। सुनिए, दवा खाते रहिए, 21 दिन बाद फिर से यही पर सारे जांच करवा कर मिलिएगा। मैडम जी, अगर दर्द कम हो जाए या ना रहे, फिर भी सारे जांच करवा के आने पड़ेंगे? ट्रीटमेंट का एक कोर्स होता है, वो तो करना ही पड़ेगा। और हाँ, दवा हॉस्पिटल के दुकान से ही लीजिएगा, बाहर से मत लीजिएगा। बाहर बहुत नकली दवाएं मिलती हैं। नमस्कार। ये रिपोर्ट मिलने में ज्यादा टाइम लगा क्या? नहीं जी, क्या कौन सारे टेस्ट करके रिपोर्ट देता है? मैडम से रिपोर्ट मांग लीजिए। आपके रिपोर्ट आपको मेल कर दिए जाएंगे। नमस्कार, इससे हॉस्पिटल में कॉल करने के लिए धन्यवाद। अरे मैडम जी, अरे वो सब को छोड़िए, जरा शालिनी सिस्टर के हाथ में एक तो गरम गरम कॉफी भिजवा दीजिए मेरे लिए। ये घुटने का दर्द। अरे मैडम जी, डॉक्टर साहब को कब से घुटने में दर्द है? ठीक से बता नहीं सकते। मुझे तो इस हॉस्पिटल में आए 9 साल हो गया, और 9 साल से तो मैं इनको लंगड़ाते हुए देख रही हूँ। अरे बाप रे। अरे सुनिए, कितनी देर हुआ आप लोगों को हॉस्पिटल आए हुए? अरे 2-3 घंटा हो गया डॉक्टर साहब। 2-3 घंटे? कुछ खाया आपने, कुछ पिया? नहीं डॉक्टर साहब, कुछ खाया भी नहीं है, कुछ पिया भी नहीं है। अरे 2-3 घंटे बिना खाए बिना पिए? आप कितने अच्छे हैं डॉक्टर साहब, मरीजों के बारे में कितना सोचते हैं। अब वहां बैठिए। मैडम जी, ये मरीज उनके अटेंडेंट 2-3 घंटे हो गए आए हुए, आप लोग एकदम ख्याल नहीं रखते हैं, ऐसा कैसे है? सॉरी सर। नहीं नहीं नहीं, मेरे रहते हुए ऐसा कभी नहीं होगा। आप दोनों जाइए ऊपर, कैंटीन है हॉस्पिटल का, वहाँ पे अच्छे दिन से भोजन कीजिए, पानी पीजिए, बहुत ही स्वादिष्ट खाना मिलता है और रेट्स भी बहुत रिजनेबल है। चाहिए जल्दी जाइए। तो वहाँ भी पैसा देना पड़ेगा? तो डॉक्टर साहब, और क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल हैं यहाँ पे? देखिए, हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग स्कूल तो चल ही रहे हैं हमारे। अच्छा, तो आपके अस्पताल में 90% नर्सेस तो आपके नर्सिंग स्टूडेंट ही हैं। ये सही है, मतलब नर्सिंग पढ़ाने के नाम पे आप उनसे फीस भी ले लीजिए और ट्रेनिंग के नाम पे ड्यूटी भी करवा लीजिए। बस आप ही लोगों की सेवा में लगे। अरे और क्या क्या एक्सपेंशन करेंगे सर? अभी तो बस इतना ही है, आगे आने वाले दिनों में एक जिम, एक पार्लर, एक नाइट क्लब, एक मॉल, एक थिएटर और एक क्रिमेशन ग्राउंड, ये सारे बनवाने का प्लानिंग है हम लोग का। क्या, क्रिमेशन ग्राउंड? एक्चुअली क्रिमेशन ग्राउंड की इसलिए जरूरत है क्योंकि जो मरीज यहाँ से निकल लेते हैं ऊपर की ओर, क्या है कि उनके अंतिम क्रिया वगैरह करवाने में उनके घर वालों को, अटेंडेंट को बहुत दिक्कत होती है और शमशान में अबनॉर्मल चार्जेस भी। इसलिए मैंने सोचा कि एक रहेगा, यहीं से उठा के लेके वहाँ पे ले जाएंगे, अंतिम क्रिया कर देंगे रिजनेबल रेट्स पे। और मैंने ये भी सोचा है कि उनके घर वालों को, परिवार वाले को हम लाइफ टाइम मेंबरशिप देंगे, उनके घर के कोई भी लोग ऊपर की ओर पधारें तो यहीं पे आके क्रिमेशन ग्राउंड में अंतिम क्रिया करें। उनके घर वालों को, परिवार वालों को हम लाइफ टाइम मेंबरशिप देंगे, उनके घर के कोई भी लोग। आपने कभी इस बारे में सोचा है? हमारे समाज में कुछ सेवाएं ऐसी हैं जिनके लिए सेवक को समाज की निष्पक्ष सेवा का शपथ लेना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली
इनमें से कुछ समाज को छोड़ खुद की ही सेवा में विलीन हो जाते हैं।